आज हम जानेंगे एथलेटिक्स के बारे में। एथलेटिक्स में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और हम इन्हें बेहतर जानने के लिए ट्रैक और फील्ड इवेंट्स की श्रेणी में बांट सकते हैं। आइए सबसे पहले ट्रैक इवेंट्स के बारे में जानते हैं। रनिंग इवेंट्स में स्प्रिंट्स, मिडल और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग खास होते हैं। रनिंग इवेंट्स में स्प्रिंट्स 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, हर्डल्स 110 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर, रिलेज 4x100 मीटर, 4x400 मीटर, मिडल डिस्टेंस 800 मीटर, 1500 मीटर, 3000 फ्लैट और स्टीपल चेज, लॉन्ग डिस्टेंस 5000 मीटर, 10000 मीटर, मैराथन, रेस वॉकिंग, स्प्रिंट रेसिंग। ट्रैक इवेंट्स में स्टैंडर्ड ट्रैक 400 मीटर्स ओवल अंडे के आकार का होता है, जिसमें दो स्ट्रेट लाइन और दो कर्व्स होते हैं। इंटरनेशनल इवेंट्स में 8 लेन्स होती हैं और हर एक की विड्थ 1.22 मीटर्स होनी जरूरी है। स्प्रिंट इवेंट क्राउच, सिटिंग और स्टार्ट कमांड से शुरू होते हैं। खिलाड़ी गन फायर पर रेस शुरू करते हैं, जिसकी कमांड इस तरह से होती है, ऑन योर मार्क्स सेट गन फायर। स्प्रिंट रेसेस में स्टैगर मेथड यूज होता है। रेस में वो जीतता है जो सबसे कम समय में रेस पूरी करता है। खिलाड़ी को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अपनी लेन में ही भागे, लेन चेंज और लेन कटिंग ना हो और फाउल स्टार्ट ना हो, वरना वो निलंबित किया जा सकता है। आजकल ट्रैक में होने वाले प्रत्येक इवेंट के खिलाड़ी स्पाइक्स पहनकर भागते हैं। अभ्यास के समय जूते और स्पाइक्स दोनों का प्रयोग करते हैं समय समय पर। तो आइए अब हम रेस के चैंपियंस बनते हैं। मिडिल डिस्टेंस रेसिंग, मेन इवेंट 800 मीटर, 1500 मीटर्स, 3000 फ्लैट और स्टीपल चेज। मिडिल डिस्टेंस रनिंग में स्टैंडिंग स्टार्ट और कर्व स्टार्ट होता है। इसमें स्टार्ट कमांड ऐसे होता है, ऑन योर मार्क्स और फिर गन फायर, जिसके बाद खिलाड़ी भागना शुरू करते हैं। खिलाड़ी अपनी सुविधा के अनुसार रेस आरंभ होने के बाद प्रथम लेन में आ सकते हैं। मिडिल डिस्टेंस रेसिंग इवेंट्स में खिलाड़ी राइट साइड से ही ओवरटेक कर सकते हैं। इनर लेन से ओवरटेक करने पर फाउल माना जाता है। इन रेस में एक साथ मैक्सिमम 16 खिलाड़ी भागते हैं। अगर ज्यादा हो तो हीट्स यानी क्वालिफायर्स होते हैं। 800 मीटर की रेस में हाफ स्टैगर दिया जाने लगा है। लॉन्ग डिस्टेंस में 5000, 10000, मैराथन और रेस वॉकिंग इवेंट्स होते हैं। इनका स्टार्ट भी स्टैंडिंग होता है मिडिल डिस्टेंस की तरह। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के रूल्स भी मिडिल डिस्टेंस रनिंग की तरह होते हैं। मैराथन इवेंट्स, फुल मैराथन और हाफ मैराथन, इसमें जो रनर सबसे कम समय में डिस्टेंस कवर करने में सफल रहता है वो विजेता माना जाता है। मैराथन रनिंग रोड पर होती है और इसमें अगर कोई खिलाड़ी किसी अन्य खिलाड़ी को गलत तरीके से रोकने या रुकावट डालने का प्रयास करता है तो उस खिलाड़ी को फाउल का सामना करना पड़ सकता है। रेस वॉकिंग, इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। अंडर 16 के लिए 5 किलोमीटर, अंडर 20 के लिए 10 किलोमीटर, सीनियर कैटेगरी में 20 और 50 किलोमीटर। इस इवेंट के कुछ खास नियम होते हैं, जैसे वॉक करते हुए खिलाड़ी का एक पाव हमेशा जमीन पर टिका होना चाहिए और खिलाड़ी का जो पाव जमीन पर होता है उसका नी हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए। जमीन पर एक पाव का कांटेक्ट न रहने पर, नी बेंड होने पर, रनिंग या जंपिंग करने पर फाउल हो सकता है। 3 वार्निंग के बाद रेफरी के द्वारा खिलाड़ी रेस से बाहर किया जाता है।
उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया रहेगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस सीरीज़ के सारे वीडियोज़ हम लोग रूल ऑफ द गेम नाम की प्लेलिस्ट से सेव कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में जानेंगे किसी और मज़ेदार स्पोर्ट्स के बारे में। तब तक के लिए खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए। खेलो इंडिया खेलो। सब्सक्राइब द चैनल नाउ।